गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज है 24th of January और आज इनके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था। जो यूजुअली प्ले स्कूल होते हैं वो सैटरडे ऑफ रहते हैं, इसलिए कल सैटरडे ऑफ है। परसों संडे को पड़ रही है, इस बार 26th of January रिपब्लिक डे, इस वजह से इनका जो स्कूल में सेलिब्रेशन है वो आज है। तो मैं इन दोनों को तैयार कर रही हूँ और आज ये काफी दिन बाद स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने इनको क्या किया, मेरे पास ये ड्रेस एक पड़ी हुई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये जो निशु इनकी बुआ लेके आई थी दोनों के लिए गिर नेशनल, उससे नेशनल पार्क से, तो इनके पास ये कोटी टाइप की थी सदरी और ये पैंट थी दोनों की, तीनों के पास है वैसे, यूज उसके पास भी है, आरू के पास भी है। तो मैं इन दोनों को वही पहना रही थी। तो नीचे मैंने ना, मेरे पास पहले मैंने इन लोगों को एक इनर हाईनेक जैसी पहनाई, पर वो हाईनेक के ऊपर ना काफी ज्यादा मोटा हो जा रहा था, तो फिर मैंने इनको ये पतला वाला स्वेटर पहनाया। उसके बाद मैंने इन दोनों को पहनाया और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। पीछे ये देखिए, क्योंकि वो नेशनल पार्क टाइगर्स को लेकर ज्यादा बनाए, वो गुजरात में गिर नेशनल, तो देखिए वो टाइगर के कब के वो बने हुए हैं पंजे। और ये देव को इतना अच्छा लगा था, देव को पता है पुलिस बड़ा पसंद है, तो मतलब वो दिखाने स्पेशली आया था। वो इतना, अब ये दोनों इतना समझते हैं अच्छे से कि आगे पीछे से दिखाना होता है अगर कैमरा चल रहा होता है तो, कि ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए, कब के दोनों के पैर बने हुए हैं, तो ये दोनों एकदम खुश हो रहे थे। और देव को ना ये था, एक्चुअली देव ना पिछली बार 15th of August को मैंने इसको सुभाष चंद्र बोस मनाया था, तो उसको ना अभी भी वही था। तो कॉन्टिन्यूसली मेरे से पता है क्या मांग रहा था, गन दो मम्मी, गन दो, पुलिस बन गया मैं, गन दो। फिर हमने इसको बोला कि वो स्कूल में ना मैम गन देंगी, और जैसे ही लौट के आया ना, मेरे को पहले यही बोला, मैम ने मेरे को गन नहीं दी। और ये देखिए, आज का है ब्रेकफास्ट, ये बच्चों को मैंने बनाई है सोया मेथी की सब्जी, पराठे, इधर मैं टोस्ट और ये जो बनाना है मैं ये इनको अभी खिलाऊंगी। और ये एक एक पराठा और पोहे मैं टिफिन में भेजूंगी। अगर इनको ये ब्रेड खाएंगे तो मैं थोड़ा सा ब्रेड जैम या फिर ब्रेड और बटर खिलाऊंगी। तो ये चलिए होता है, इनका मैं टिफिन रेडी कर दूं फटाफट से। और मैं ये पैक कर रही हूँ बच्चों का लंच, एक साथ ही मैं नीचे से ले आई थी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाती हैं फिर बार बार किस किस कटोरी में लेके आओ। तो ये दोनों के पास है ये जो मिल्टन के टिफिन है, तो एक एक पराठा देखिए मैं दोनों को रख रही हूँ। अब मैं ना इन दोनों को अलग अलग देती हूँ, जिससे कि क्या पता चलता है कि किसने कितनी क्वांटिटी खाई है, क्योंकि फिर वो दिक्कत रहता है कि यूजुअली देव खा लेते हैं, वेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और इस टाइप का जो अलग से कुछ स्नैक्स होता है ना, वो मैं एक ही उसमें रख देती हूँ, तो वो टीचर्स जानते ही हैं कि दोनों हैं, तो वो दोनों को शेयर करके खिलवा देते हैं। जैसे मैंने एक इसमें जैम ब्रेड रख दिया है, तो वो मैम खिलवा देंगी, और एक एक टिफिन में मैंने पोहे डाल दिए हैं, तो वो शेयर करवा देंगी। बनाना मैं अभी खिलाऊंगी इन दोनों को। ये बच्चों का बॉर्नविटा वाला दूध है जो मैं इनको अभी पिलाऊंगी। सिर्फ सुबह ही इतने काम होते हैं ना एक मदर के पास, भले ही वो एक बच्चा हो दो बच्चे हो, कि सिर्फ सुबह का अगर आप रूटीन वीडियो बनाओगे ना तो एक अच्छा खासा वीडियो बन सकता है। सिर्फ बच्चों को उठाने से लेके तैयार करने और स्कूल भेजने तक के इतने सारे काम होते हैं। ये देखिए, मैं इन दोनों को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, और ये देखिए बच्चों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा दूध रह गया था, वो वेट पी रहा है, देव जल्दी फिनिश कर लेता है। मैं इन दोनों का बैग पैक कर रही हूँ, तो मैं बहुत दिन बाद जा रहे थे तो मेरे को ये सब भी देखना पड़ रहा था कौन सी कॉपी है। और मैं दोनों के बैग में एक एक एक्स्ट्रा पेन डालती हूँ, वैसे वहाँ यूजुअली स्कूल में सबमिट हो जाता है, बट अभी मैंने डाल दिया एक एक, कि जिससे कि कुछ बच्चे कभी कभी कर देते हैं गीला वगैरह। तो और जो छुबे छे जग गई हैं, देखिए इनका भी देखिए सेम पैंट। जाब सिंधे गुरु बाय बाय। और चले गए हैं बच्चे, और टाइम हो रहा है देखिए करीब 10 बजे। स्कूल आजकल 10 बजे से हो गया ना, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। मैं करूँगी अभी नाश्ता, उसके बाद थोड़ा सा मेरे को कुछ पढ़ाई करनी है थोड़ी सी, उसके बाद मैं पूरी रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो चलिए, आप लोग क्या, आप लोग भी नाश्ता करिए और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये देखिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो पूरा रूम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर से वही मैंने कहा ना, आप रोज समेटो, रोज भी करता है, रोज यही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना टीवी ऑन कर लेती हूँ, थोड़े गाने वाने अपने मन पसंद चला लो, कि जिससे कि क्या है ना थोड़ा सा मूड अच्छा रहता है, और देखती रहती हूँ। आजकल मेरे को वो आई रही है ना स्ट्रीट डांसर, तो मेरे को उसके सॉन्ग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैं आजकल वो चला लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपनी और बच्चों की रजाई फोल्ड कर रही हूँ, इधर मैंने नीला की फोल्ड कर दी है, उधर वो ट्रे रखी है जिसमें बच्चे ब्रेकफास्ट करके गए हैं,
और रोज कितने कपड़े निकलते हैं धुलने वाले, वही चीजें हो जाती हैं। मतलब पता नहीं, अभी तक मैं जॉब करती थी तो मेरे को लगता था पता नहीं मैं कैसे कर लेती थी, अभी तो मेरे से काम ही नहीं समेटते मेरे को ऐसा लगता है। और आज मैंने इनका जब बैग लगाया तो इतने दिन बाद, एक तो स्कूल गए तो ये निकले, ये उनकी ना सेंटा क्लॉस वाली कैप निकली जो वो 25 दिसंबर में पहन के गए थे क्रिसमस सेलिब्रेशन में, और ये देखिए निलय का पैंट, बच्चों की ब्लैंकेट। बस लगभग मेरे सारे काम निपट गए हैं। अब मैंने नहा लिया है, नहा के मैं ना सबसे पहले सॉक्स पहनती हूँ, मेरे को ना पैरों में बहुत ठंड लगती है, भले बाकी मैं स्वेटर पहनूँ या ना पहनूँ मेरे को चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बैठ के मैं सॉक्स पहन रही थी, और वो टीवी कंटिन्यूअसली मेरी चलती रहती है, क्योंकि बच्चों के सामने तो मैं इतना सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनती हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे ही बच्चों के साथ, तो ऐसा है टीवी ऑन करो तो सब अपने अपने लग जाते हैं, कार वाला लगा दो, पेपा पिग लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, तो मैं टीवी कोशिश करती हूँ अवॉइड ही कर दूँ। तो जब ये नहीं होते तो मैं सुनती हूँ। और ये देखिए मेरे कुछ एक दो कुर्ते थे, वो कल मैं एग्जाम देने गई थी तो वो तब से बाहर पड़े थे, तो मैं फोल्ड करके वो रख रही हूँ। और इधर मैंने बेड पे वो कपड़े बच्चों के निकाल दिए हैं, एक एक टी शर्ट, एक एक पैंट, जो बच्चे अभी स्कूल से आएंगे उसके बाद लौट के चेंज करके पहनेंगे, वो मैंने निकाल दिया है, जिससे कि बस सीधे उनको खाना खिलाऊंगी, और खाना भी मैं उनका लेके आ गई हूँ, बस वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। और अब जाके ना मेरे को फुर्सत मिल पाई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं जब सामान लगा रही थी, ये निलय का नेचर ऐसा है ना, मीन्स कोई चीज लाते हैं तो वो मेरे को बताते भी नहीं, बस आए और ऐसे ही रख दिया। अभी जब मैं कपड़े रख रही थी ना तो मैंने देखा ये पैकेट कैसे रखा है, तब जाके मेरे को देखो ये दिखे, और वो मतलब बहुत यूजफुल है। ये देखिए दो पैकेट्स मेरे को मिले हैं, ये देखिए पूरे पूरे के दो पैकेट्स मेरे को मिले हैं उस ड्रॉर में। और मतलब मैं ना अभी एग्जाम था परसों वरसों, तो मैं अपने लिए खरीद के लाई हूँ, मीन्स पेंसिल और पेन वगैरह पूरे। और आप सेट देखो जरा, दो वो एग्जीबिशन में दिल्ली में गए थे ना उसमें मिला था, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ। और ये देखिए ये ना एक डॉम्स का सेट है, आर्ट स्ट्रोक्स करके, आर्ट स्ट्रोक्स। और ये देखिए इसमें मेंशन है 150 रुपीज़। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, इसमें दिख रहा है ये देखिए 12 वो जंबो क्रेयॉन्स हैं प्लास्टिक वाले, देन ये ऑयल खोलती हूँ, रुकिए कहाँ से खुलेगा, शायद पूरा पैकिंग खुलेगी। और अभी बच्चे आए नहीं हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत देर हो जाती है, 1:30 बज रहा है, और वो दीदी उधर झाड़ू लगा रही हैं, और दीदी भी बहुत लेट आई हैं। हाँ ये देखिए इस तरीके से, ट्वेल्व प्लास्टिक क्रेयॉन्स कैन बी इरेज्ड एंड शार्पन्ड। अरे वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। ये देखिए 12 ये दिखा रहे हैं कि प्लास्टिक के क्रेयॉन्स है जो अपन इरेज भी कर सकते हैं, शार्प भी कर सकते हैं, तो अच्छा है, दिस वन इज गुड, बच्चे यूज कर लेंगे। देन ये है 12 ऑयल पेस्टल्स, मेरे को नहीं पता कुछ होगा, मीन्स कलर ही होंगे, वो खोलूँगी तब मैं देखूँगी। देन मेरे को मिले हैं 12 ये क्रेयॉन्स, छोटे क्रेयॉन्स जो बच्चे कलर करते हैं, क्रेयॉन्स मिले हैं। देन इसमें एक है ये पूरा सेट पेंसिल रबर इरेजर का, मतलब कितना बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाते कुछ कलर वलर करते, बट मिले हैं। ये देखिए 12 स्केच पेन्स स्मॉल वाले, कलर पेंसिल्स कलर्स हैं ये, और ये एकदम अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाली इरेजर, अगेन वो डॉम्स के, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इनसे। और एक सेम यही मिली है, ये देखिए डॉम्स की ही है ड्रॉइंग शीट, तो ये ड्रॉइंग शीट मिली है। और इसमें मैं दिखाती हूँ, ये एक लग्जर का, लग्जर कंपनी, देखिए लग्जर का पूरे मार्कर्स और हाइलाइटर्स मिले हैं, ये देखिए फ्लोरोसेंट कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, देन ये पेन है, देन ये डीवीडी मार्कर्स हैं, ये देखो आप पास से देखोगे तो ये डीवीडी मार्कर्स हैं, देन ये बॉल पेन है, इधर बॉल पेन है, दो ब्लैक दो ब्लू, और इधर ये जेल पेन है, देखिए इसमें मेंशन्ड ब्लू जेल पेन है, और ये दो अगेन ब्लैक पेन है, दो ब्लू पेन है। तो मतलब मैं ना अभी खरीद के लाई हूँ ये सारा सामान, और ले ऐसे ही है, बट मेरे को अच्छा लगा कि इतना सारा सामान
देखिए मम्मी इसको तो ऐसा होता ही है कि क्योंकि रोज़ बच्चे कुछ खुल खोकर आते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो अच्छा रहता है। तो ये दिखाती हूँ, मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ। बच्चों के मैंने यहाँ देख ही लिया आपने कि कपड़े वपड़े निकाल दिए हैं, मेरे को लग रहा है उनको खाना वाना खिला दूँ आ जाए तो।